नमस्कार, नगरी न्यूज के खास कार्यक्रम चुनावी नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी शर्मा आपके साथ। मैं फिर से लेकर आई हूं एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण और साथ में वहां के प्रत्याशियों की राजनीतिक कुंडली। आज बात करेंगे राजस्थान की हाई प्रोफाइल चुनावी सीट। मैं बात कर रही हूँ वैर विधानसभा सीट। यहाँ से कांग्रेस ने भजनलाल जाटव को फिर से मैदान में उतारा है और बीजेपी ने बहादुर सिंह कोहली पर अपना दाव खेला है। सबसे पहले बात करें यहाँ के जातिगत समीकरण की, तो वैर विधानसभा सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। वैर विधानसभा सीट पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा माना जाता रहा है। बीजेपी भी यहाँ से जीत का स्वाद चख चुकी है। इस सीट पर फिलहाल भजनलाल जाटव का कब्जा है। वैर सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के भजनलाल जाटव और बीजेपी के रामस्वरूप कोहली के बीच कड़ा मुकाबला हुआ था, जिसमें भजनलाल को 78,700 वोट मिले जबकि बीजेपी के रामस्वरूप को 63,433 वोट मिले। कुल वोटर्स की बात की जाए तो यहां पर 240,528 के आसपास वोटर्स थे, जिनमें से पुरुष मतदाता 129,128 और महिला मतदाता 111,400 थी। यहां पर पिछले चुनाव में 3 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी अपना परचम फहरा चुकी है। वैर सीट पर ओबीसी वर्ग के मतदाता सबसे ज्यादा है। इसके अलावा यहाँ पर अनुसूचित जनजाति, ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत और अन्य समाज के मतदाता है। अब बात करें कांग्रेस प्रत्याशी भजनलाल जाटव की, तो वर्तमान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और पीडब्ल्यूडी विभाग संभालते हैं और पूर्व में भी गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, कृषि, पशुपालन और मत्स्य विभाग राज्य मंत्री भी रहे हैं। इनका दबदबा अपने क्षेत्र में कायम है और लगातार कांग्रेस की योजनाओं के बारे में तारीफ करते रहते हैं। अब बात करें बीजेपी प्रत्याशी बहादुर सिंह कोहली के बारे में, तो वे पेशे से किसान और व्यवसायी होने के चलते वर्ग विशेष में इनकी अच्छी थाक है। 2014 में लोकसभा सदस्य भी चुने जा चुके हैं। 1999 में राजस्थान के बयाना से लोकसभा के पूर्व सदस्य भी यह रह चुके हैं। अपने बिगड़े बोल की वजह से लगातार मीडिया में भी ये छाए रहते हैं। आज बात की वैर विधानसभा सीट की, अगली बार फिर मिलूंगी एक और विधानसभा सीट के चुनावी समीकरण से आपको रूबरू कराऊंगी। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।